तो दोस्तों ये 17 इंची मॉनिटर एक पिक्चर ट्यूब है। तो ये 17 इंची मॉनिटर पिक्चर ट्यूब को टीवी बनाने के लिए डायरेक्ट जो मार्केट का टीवी पीसीबी होता है वो टीवी पीसीबी कनेक्ट करने के लिए इसका जो योक कॉइल है योक कॉइल को कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब जो नॉर्मल टीवी का योक कॉइल होता है उसका ओम्स अलग होता है, उसका कनेक्शन अलग होता है। जो ओरिजिनल जो पिक्चर ट्यूब का साथ ये जो मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब के साथ जो योक कॉइल मिलता है इसी तरह मिलता है। बट तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपको ये वीडियो के अंदर यही दिखाऊंगा। फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ 17 इंची मॉनिटर पिक्चर ट्यूब होगा तो इसके अंदर दो इसी तरह फोकस पिन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह दो फोकस पिन देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो मॉनिटर का योक कॉइल उसके अंदर इसी तरह एक बेस देखा जाता है, बेस बोर्ड देखा जाता है योक कॉइल का ऊपर। आपको ये वीडियो के अंदर जो देखूंगा कि ये जो बोर्ड है ये बोर्ड के अंदर तीनों पीसेट है, बट तीनों पीसेट भी सेम हो सकता है। ये साइड जो है ये साइड देखिए तीनों पिन है और ये साइड दो पिन है, मतलब ये साइड 5 पिन है और ये साइड देखिए 3 3 6, ये साइड 8 पिन है, ठीक है। टोटल ये साइड 8 पिन है, इधर साइड पिन और इधर साइड पिन आप गिनती करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिन है और ये साइड 5 पिन है और दोस्तों ये साइड 5 पिन है, ठीक है। तो ये सेम तरह योक कॉइल होगा तो आसानी से कैसे इसको मॉनिटर पर जो टीवी योक पर कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपको देखूंगा। बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ 17 इंची पिक्चर ट्यूब अलग अलग कंपनी का जो योक कॉइल अलग अलग टाइप हो सकता है, बट जो थ्योरी है सबका थ्योरी सेम है। इसका अंदर पैरेलल कॉइल कनेक्शन रहता है हॉरिजेंटल का, तो उसको सीरीज करना पड़ेगा, यही इसका कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको दिखाना चाहते हैं ये दो साइड, ये साइड देखिए हॉरिजेंटल योक कॉइल का वायर है, ये ओरिजिनल वाला, ठीक है, ये हॉरिजेंटल का, और ये साइड दो वायर है ये वर्टिकल का। तो वर्टिकल वायर को वर्टिकल कनेक्शन को कुछ भी नहीं करना, ठीक है, जिस तरह है वही सेम तरह आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा देखिए, थोड़ा थोड़ा वायर रख कर आपको इसी तरह वायर को काट कर देना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कुछ भी टाइम आप टीवी का योक कॉइल का वायर कनेक्शन करने के समय ये जो दो वायर है ये देख कर आसानी से ये पिन पर कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप अलग अलग पॉइंट पर कनेक्शन करेगा तो अलग अलग प्रॉब्लम मिलेगा। ये एक बात हो गया। और दूसरा जो बात है हॉरिजेंटल का ये जो ब्लू वाला वायर है और ये जो रेड वाला वायर है, ये दो वायर को आप थोड़ा थोड़ा रख के कट कर दीजिए। ये सिंपल तरीका है, आपको बहुत सिंपल तरीका ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो ऊपर वाला कॉइल है ये ज़रूरत नहीं है। इसी कंडीशन पर आप मीटर लेके टेस्ट करेगा तो इसका साथ ओम्स मिलेगा, ठीक है। और ये साइड जो दो पिन है इसका साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, बट इसका साथ भी कनेक्शन और कंटिन्यूटी मिलेगा। ये साइड के अंदर जो दो पिन है, ठीक है। तो ये कॉइल अभी हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए ये कॉइल को मैं कट कर देता हूँ, ये साइड मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद ये साइड भी जॉइंट है, ये साइड को कट किया। कट करने के बाद ये कॉइल को मैं पूरा आउट कर देता हूँ। आउट करने के बाद क्या करना पड़ेगा तो दोस्तों उसके बाद जो क्या करना पड़ेगा देखिए, ये जो रेड वाला पॉइंट है आपको ये रेड वाला पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। अभी ये जो ब्लू वाला कॉइल पॉइंट है इसका कनेक्शन आउट हो गया, ठीक है, कुछ भी साथ कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगा। ओनली ये जो रेड वाला पॉइंट है, रेड वाला पॉइंट का ये जो वायर है ये वायर को ओपन करना पड़ेगा। ये वायर को ओपन करने के बाद इसका अंदर दो वायर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ इसका अंदर जो दो वायर है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों ये वायर को मैं ओपन किया ये पिन से, ठीक है। ये पिन ओपन करने के बाद देखिए ये वायर इधर आ गया और ये जो रेड पॉइंट है ये अभी सिंगल ओपन है। तो चलिए ये जो वायर है तो दोस्तों बिजली चला गया। तो देखिए ये जो जॉइंट है इसका अंदर बीच में आपको इस तरह हीट करना पड़ेगा। हीट करने के बाद देखिए इसका अंदर जो अलग अलग वायर है ये अलग हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा वायर टूट ना जाए, ये टूट सकता है, बहुत शुरू शुरू वायर इसका अंदर है। देखिए दोस्तों ये दो वायर हो गया, देखिए एक बड़ा वाला वायर है और एक छोटा वाला वायर है। आप अच्छा करके देखिए एक बड़ा वाला वायर है, एक छोटा वाला वायर है। तो छोटा वाला वायर को कुछ भी नहीं करना, छोटा वाला वायर को इसी का साथ ही आपको जॉइन कर देना, ठीक है। और ये जो वायर बच गया ये देखिए बहुत बड़ा वाला वायर है, ये वायर को आप घुमा के
वो जो लेफ्ट साइड है इधर आपको लेके आना पड़ेगा। ये देखिए ये जो वायर है आपको नीचे से ये साइड लेके आना पड़ेगा। चलिए मैं लेके आता हूँ, और ये छोटा लग रहा है तो चलिए मैं अच्छा करके इसका नीचे से मैं इधर लेके आता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद तो दोस्तों आपको देखूँगा कि बिजली अभी चला गया, वीडियो में थोड़ा आपको काट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों बिजली चला गया था, अभी बिजली आ गया, चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए ये जो वायर को मैं नीचे से लेके आया, ठीक है, ये वायर को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, ये कॉर्नर वाला पॉइंट को छोड़ के ये जो पॉइंट है इसका साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वायर है इसको इसका साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसका पहले आपका एक बार क्वांटिटी चेक करके दिखाता हूँ कि देखिए ये जो मीटर है, मीटर बाजार देखिए बाज रहा है। ये जो पॉइंट को आप टच करेगा तो देखिए ये कॉर्नर का साथ क्वांटिटी मिलेगा, बट ये जो पॉइंट है इसका साथ क्वांटिटी नहीं है। तो जिसका साथ क्वांटिटी नहीं है इसका साथ आपको सोल्डरिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या बात है कि ये कॉर्नर का साथ देखिए बाजार बाज रहा है, मतलब क्वांटिटी है, तो इसका साथ कनेक्शन नहीं करना। आपको ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसका साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका साथ क्वांटिटी नहीं है। और अभी देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का साथ ये कॉर्नर का पॉइंट का कुछ भी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये जो पॉइंट है इसको मैं इसका साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ये दो नंबर पिन का साथ, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद देखिए ये जो रेड वाला पॉइंट है इसका साथ ये जो कॉर्नर है, राइट साइड का कॉर्नर है और लेफ्ट साइड का ये जो कॉर्नर है, दोनों साथ कनेक्शन हो गया। अब मीटर पर सुन सकते हो बाजर बज रहा है। तो ये दो पॉइंट का साथ आपको हॉरिजॉन्टल का ये वायर कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसका ब्लू वायर ओपन है, ठीक है, ये ब्लू वायर अभी ओपन हो गया, यह अभी कुछ भी काम पर नहीं आएगा। ओनली ये जो रेड वाला पॉइंट है, ये जो रेड वाला पॉइंट है इसका साथ या ये पॉइंट को ब्लू वायर का साथ कनेक्शन कराना पड़ेगा। अभी ये ओपन है, इसका साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। चलिए मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ब्लू वायर का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ये जो रेड वाला पॉइंट है इसका साथ कनेक्शन है, और देखिए इसका साथ भी ज्वाइंट है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये सिंपल सा कनेक्शन है, बहुत आसान तरीका से मैं आपको ये दिखाया, और डिटेल्स मैं इसके ऊपर 4-5 वीडियो बना के रखा हूँ, ठीक है। वो सब आप देखना चाहता हो तो मॉनिटर ट्यूब का ऊपर, मॉनिटर कॉइल के ऊपर कन्वर्ट करने का जो वीडियो है उसके ऊपर मैं अलग सा एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये रेडी हो गया, और इसका साथ मैं योक कॉइल और न्यू पीसीबी कनेक्शन करके अभी आपको दिखाऊंगा। और उसका पहले आपको जो दिखाऊंगा कि ये जो डबल फोकस का पिन है इसको कैसे आप सिंगल बेस यूज़ कर सकते हो। आपको पास डबल फोकस बेस होगा तो आसानी से कनेक्शन कर सकते हो, डबल फोकस बेस नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। फर्स्ट ये जो मिडिल पोजीशन है, मिडिल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर आपको कट करना पड़ेगा। चलिए मैं ये जो कटर है कटर से ही कट करके दिखाता हूँ। देखिए मैं कटर से ही कट कर दिया, और मैं क्या करूँगा आपको दिखाता हूँ। जिस तरह मैं काटता हूँ इसी तरह, तो इसी तरह आपको ब्लेड लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको इसी तरह ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसी तरह पूरा यहाँ से आपको काटना पड़ेगा। काटने के बाद ये जो नीचे पोजीशन आपको पूरा आउट करना पड़ेगा। चलिए मैं काट करके आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक हाथ से काट करने के लिए प्रॉब्लम आ जाता है, एक हाथ से इसको पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं अच्छा करके पकड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ। बट दोस्तों आप देख सकते हो इसी तरह मैं थोड़ा सा काट किया, पूरा इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं काट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो साइड है इसका नीचे वाला पॉइंट को मैं काट किया, ठीक है। काट करने के बाद इसको ये जो थोड़ा मैं काटा लेके काट कर दिया, आप देख सकते हो इसी तरह आप भी काट सकते हो, बट बहुत धीरे से आपको काटना पड़ेगा क्योंकि ये नेक टूट ना जाए इसी तरह, ठीक है।
ये जो पोजीशन है आपको काट करना पड़ेगा, ये साइड आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, ये जो बेस है। और क्या करना पड़ेगा, ये जो दो पॉइंट है फोकसिंग का, ये दो पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना पड़ेगा वायर लेके। मैं छोटा सा वायर लेके इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैं इसी तरह अलग सा वायर लेके ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद इसको आप कट कर दीजिए, ये एक्स्ट्रा वायर को रखने का जरूरत नहीं है। देखिए मैं कट किया, ठीक है, आपके सामने मैं जो कुछ किया सब कुछ आपको दिखाया। और अभी कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पर सिंगल फोकस बेस यहाँ पर लग जाएगा। और चलिए पूरा कनेक्शन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। और एक बात दोस्तों, 17 इंच मॉनिटर ट्यूब के अंदर इसके अंदर एक कॉयल देखा जाता है, ठीक है, ये जो पूरा बॉडी के अंदर एक कॉयल देखा जाता है, ये कॉयल का है। ये कॉयल का कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये कॉयल आप रखेगा तो ये जो पॉइंट है इसके अंदर ये जल जाएगा, रेजिस्टेंस भी जो भी देखा जाता है वो जल जाता है, तो ये रखने का ज़रूरत नहीं है। ये भी आप कट कर सकते हो, ठीक है, आप कट कर दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अंदर जो वायर है, ये वायर मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। वायर निकालने के बाद आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो एक्स्ट्रा कॉयल है, ये मैं काटा लेके इस तरह इसका नीचे से मैं काट कर दिया, ठीक है। काट करके ये जो वायर निकाला, ये मैं बाहर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो वायर है, ये मैं बाहर कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, बहुत सारा इसका जो वायर है कॉइल का अंदर, देखिए दोस्तों ये वायर को मैं निकाला, ठीक है। तो चलिए, ये तो ज़रूरत नहीं है, ये मैं साइड कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह पहले आ रहा है, मैं काटिंग किया तो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो वायर को मैं निकाला, ठीक है। तो ये तो अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं ये दोस्तों कॉपर का वायर है, ठीक है। तो चलिए फाइनली ये कंप्लीट हो गया, और इसका साथ पीसीबी कनेक्शन करके आपको एक बार दिखाना पड़ेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए, आपका सामने मैं योक कॉइल का वायर कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये योक कॉइल का जो चारों वायर है, फर्स्ट वर्टिकल का तो मैं कुछ भी इधर उधर छेड़छाड़ नहीं किया। ये वर्टिकल का जो दो पॉइंट आप देख सकते हो, एक वायर ये ब्लैक वायर लेके मैं एक वायर का साथ कनेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह टेस्ट करने के लिए मैं इसी तरह काटता हूँ, और वाइट वायर को मैं इसका साथ कनेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये इधर उधर हो जाएगा तो पिक्चर ऊपर नीचे ये हो जाएगा, तो टेस्ट करने के लिए आप कर सकते हो। मैं ये टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, और पिक्चर इधर उधर ऊपर नीचे उल्टा हो जाएगा, तो आपको ये वाइट और ब्लैक वायर को आपको इधर उधर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये वायर को आप हॉरिजेंटल साइड पर लगाओगे, हॉरिजेंटल साइड पर लगाएगा तो ऐसी खराब हो जाएगा। और ये हॉरिजेंटल का जो रेड और ब्लू वायर, आप ये दो वायर को इधर उधर काट सकते हो, इधर और इधर काट सकते हो, ठीक है। वर्टिकल का ये दो वायर को इधर उधर काट सकते हो, बट ये वायर को ये साइड कभी नहीं लगाना, ठीक है। तो चलिए, ये जो रेड पॉइंट है, रेड पॉइंट के साथ मैं ये रेड वायर कनेक्शन कर दिया, और ब्लू वायर ये ओपन है, इसका साथ कनेक्शन मत करना। ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, ये कॉर्नर वाला पॉइंट के साथ आपको ब्लू वायर का कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये कॉइल का कनेक्शन हो गया, और ईएसटी कैप लगाने का बाद बेस बोर्ड कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बेस है, ये सिंगल फोकस का बेस है, तो ये सिंगल फोकस बेस कनेक्शन, चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरा थोड़ा घुमा के। दोस्तों ये जो बेस का गैप है, ठीक है, ये गैप का अंदर ये जो ऊपर पोजीशन में नहीं काटा है, तो ये जाएगा, तब इसका जो फिलामेंट ये सब कुछ सेम टू सेम कनेक्शन होगा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए ये आसानी से इसका अंदर चला गया, और इसका जो नेगेटिव वायर है, एक नेगेटिव वायर लेना पड़ेगा। एक वायर को मैं ये अभी काटिंग किया, फर्स्ट टाइम टेस्ट करके पिक्चर ट्यूब को टीवी बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको सोल्डरिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा रंग लगाया, और बेस बोर्ड का जो नेगेटिव है, बेस बोर्ड का नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। बेस बोर्ड का नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर दिया। तो देखिए ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर दिया। तो अभी टेस्ट करने का पाला। तो दोस्तों देखिए ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल योग का जो पॉइंट है, अब देखिए ये जैक को मैं यहाँ पर लगाया, और रेड पॉइंट को सबसे नीचे लगाना पड़ेगा। कुछ भी मॉनिटर टेस्ट करने का समय फर्स्ट टाइम ये नीचे वाला पॉइंट, बर्दस्त इसके ऊपर कुछ भी पॉइंट नहीं है। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो पॉइंट यहाँ पर था, मैं इसको ओपन करके नीचे लगाया टेस्ट करने के लिए। कुछ भी मॉनिटर टेस्ट करने के लिए आपको नीचे लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि 17 इंच मॉनिटर का अंदर, योगकॉइल का अंदर जो कनेक्शन करने के बाद पिक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, और सीरीज लाइन से भी आपको फर्स्ट टाइम टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका एसी वायर मैं सीरीज लाइन से सीरीज बोर्ड पर कनेक्शन कर देता हूँ। चलिए मैं सप्लाई देके एक बार देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। मैं सप्लाई दे दिया, अब देख सकते हो, और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए। देखिए फुल लाइट आ गया, एवं पिक्चर बहुत पिक्चर बड़ा हो गया। आप देख सकते हो ये जो तोशिबा का लोगो है, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों इसको सही करने के लिए, इसका पिक्चर साइड को एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम क्या होता है कि आपको इसी तरह चॉपर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह चॉपर, ये चॉपर का एक साइड कनेक्शन रहता है, और मैं अलग अलग बहुत वीडियो के अंदर दिखाया कि ये जो बूस्ट पीएफ होता है, इसका अंदर पीएफ चेंज करके इसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना के रखा हूँ, ठीक है। ये चैनल के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए। और इसका कनेक्शन तो आपको दिखाया, फिर भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो कॉर्नर वाला रेड पॉइंट है, इधर कॉर्नर वाला ब्लू पॉइंट है, और वर्टिकल को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, ये पॉइंट पर मैं कनेक्शन किया। फर्स्ट टाइम क्या किया, ये जो रेड पॉइंट है, रेड पॉइंट को ओपन किया, इसके अंदर दो वायर मिला, छोटा वायर को मैं इसका साथ कनेक्शन किया, बड़ा वायर को लेके मैं ये जो दूसरा नंबर पॉइंट है इसका साथ कनेक्शन किया। अभी सोल्डरिंग नहीं किया, आप देख सकते हो। चलिए मैं सोल्डरिंग कर दूंगा, और ये टेस्ट करने के लिए आपको जस्ट दिखाया। चलिए दोबारा मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। अभी ऑफ है स्क्रीन, दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। देखिए फुल लाइट आ गया, ठीक है, तो सी वाले का है, ठीक है दोस्तों। और इसका फिलामेंट आप देख सकते हो, फिलामेंट जल रहा है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।